धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। ओह होली मदर,
पूरे दिन लिखते रहिए, बाद में बैक पेन होगा तो पता चलेगा। आप बस कीजिए पापा, मैं कर लूंगी। रहने दे बेटी, तुझे वैसे भी बहुत सारे कपड़े सीने हैं, तू वही कर, मैं ये देख लूंगा। इसे शादी पर मत बुलाना। आपने और इसने मिलकर जो कुछ किया था उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। आपने अपने पैर खो दिए, माँ मरते दम तक कभी सुकून से नहीं रह पाई, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी भी नफरत करते हैं, आप जानते हैं ना। हम पहले ही अपना बहुत कुछ खो चुके हैं पापा, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, है ना। अब आप चाय पी लो। क्या हुआ अंकल जी, थके हुए लग रहे हो। एलेक्स कहाँ है, कॉलेज गया क्या। खैर बाकी सब ठीक है। मना करने के बाद भी तूने इसकी शादी तय कर दी, तुझे लगा मुझे पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो तुम मेरे 13.5 लाख रुपए के कर्जदार हो और मेरे बाप के जमाने से इस कर्ज में डूबे हो। तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुमने मुझसे कितने पैसे ऐंठे हैं, कभी पत्नी की बीमारी के नाम पर, कभी बेटे की पढ़ाई के लिए, तो कभी अपने पैर के लिए। तुम्हारा ये शीश महल, यहाँ तक कि इसका संडास बाथरूम मेरे पास गिरवी है। देखो जॉर्ज, तुम समझते क्यों नहीं, तुम मेरी ही जमीन से पैसे कमा रहे हो। देखो अब तुम बकवास मत करो, मैं तुमसे हजारों बार बोल चुका था कि अगर इसकी शादी मुझसे होगी तो तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें तो मंजूर नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने खुद ही अपनी पत्नी का खून किया है ना। तेरी सहेली ने खुद ही फांसी लगाई थी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जॉर्ज यह सच है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, लेकिन इसके लिए मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा, देखो तुम्हें इसे मुझे हमेशा के लिए नहीं देना है, मैं आ जाऊंगा और तुम्हारी बेटी भरपाई कर देगी किश्तों में। ए जॉर्ज, संभल के बुढ़ऊ, अगर तूने इसकी शादी से पहले मेरा सारा कर्जा नहीं चुकाया तो इसे उठा के ले जाऊंगा। आराम से बैठा रहे और जरा ठंडे दिमाग से सोच। तू तो समझदार है, मदद ले लेना मुझसे। जी।
बस आने वाला होगा वो। आज बच के नहीं जाना चाहिए, आज उसे सबक सिखाना ही होगा। वो सामने से ही आएगा, नजर रखो। ए, रेडी रहना, वो आने वाला ही होगा। इधर ही देख रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चे, हैं? मुझे जाने तो भाई। सुन बे, जितना पूछा उतना बता। मैं घर जा रहा हूँ। तेरी बहन घर पर ही है ना? मुझे दो शर्ट सिलवानी थी, वो यहाँ आकर मेरा माप लेगी क्या? हाँ? आप लोग मुझे परेशान मत करो, जाने दो प्लीज। ज्यादा कहाँ है हा? तेरी तो, अबे हट। तेरे बाप की एक ही टांग है ना, जब उसकी दोनों टांगे सलामत थी तब उसने बहुत कुछ किया हुआ है। संभल कर पापा, रुकिए मैं आपकी मदद करता हूं। बचपन से लेकर आज तक तू कभी भी अपने बाप की उंगली पकड़कर नहीं चला, लेकिन आज मैं तेरे ही सहारे चल रहा हूं। उन लोगों ने आज तुझे फिर मारा क्या? हाँ, आराम से। तूने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? हाँ, जरूर तेरी दीदी ने तुझे बताने से मना किया होगा, है ना? कल मैं भी तेरे साथ चलूंगा उनसे मिलने के लिए, और उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर वो लोग तुझे इतना तंग क्यों करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं डैडी, रहने दो। हाँ, मैं तेरे साथ चल सकता हूं उन्हें सबक सिखाने। तेरे साथ मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो और कौन होगा? हाँ, इस बार जाने दीजिए, अगर अगली बार करेंगे तो आप चलना। हाँ। सच में मैं किसी काम का नहीं रहा बेटा, है ना? अब आजा बेटी।
अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? आज ये जिंदा नहीं बचेगा। तोड़ दो इसके। छोड़ ना मार। फटिया पापा। शादी करेगा उससे तू? तेरी इतनी मत हो गई। तेरी मारे मारे उसे। अरे कोई तो उसे बचाओ। अरे छोड़ना नहीं आज उसे। वो उसे मार रहे हैं। आज हमसे बचेगा नहीं तू। मार इसको। ए चलो रे बहुत हो गया। ठीक है ना? ओह माय सन, गेट अप गेट अप। इजी इजी। आराम से, आराम से। कितना हुआ? 50 रुपए। तुम इतनी जल्दी में क्यों? मुझे आए हुए बहुत टाइम हो गया सर। थोड़ी देर रुक जाओ, बस थोड़ी देर। हाँ एक मिनट। हाँ अरे भाई मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा मुझे खुद ही यहाँ। मैं क्या बताऊँ, सुबह से यहीं फंसा हुआ हूँ। ऐसा ही साहब ने बुलाया था। फादर डेविड ने तंग कर रखा है। कल चर्च कमेटी ने खरीदारी का स्टेटमेंट चेक किया और 8,000 रुपए की चोरी का इल्जाम मुझ पे लग गया। उसके बाद जब मैंने उसे मारा तो पादरी उसकी तरफ हो गया। उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। लेकिन तुमने उसे मारा ही क्यों? पी ली थी क्या? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही हो गया। आइए मैं पकड़ लेता हूँ, आराम से। तुम यहीं रुको। ठीक है। ऐसा ऐसा अरविंद जी हैं क्या? हाँ लंच कर रहे हैं। हाँ। मुझे पता है आप क्यों आए हैं। परसों जो हादसा हुआ हमें पता है। हाँ। लेकिन उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। हाँ। उन्हें सब कुछ अच्छी तरह पता है। हाँ। क्या आप अब भी मिलना चाहेंगे? मैं भी चलता हूँ, आइए। हाँ। किसे पता कौन थे वो लोग? उनके चेहरे ढके हुए थे ना, चर्च में भी कोई सीसीटीवी है नहीं। और उस गाड़ी का नंबर भी नकली है। तेरी बेटी का कोई चक्कर वक्कर था क्या सर? अच्छा उन्होंने दूल्हे को टारगेट करके चर्च में मारा। अब इसकी हमें बारीकी से तहकीकात करनी होगी ना सर। मेरे बच्चों को और मुझे कोई भी सुकून से नहीं रहने देता, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं सर। तुम्हें सालों पहले की पुलिस स्टेशन की बात याद है? बिल्डिंग में आग लगाना, एसआई मुरली याद है? अब वो डीएसपी हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कैंप में बताया था। तुम पुलिस वालों को तो कुछ समझते नहीं, अब क्या हुआ? बैठे रहो। मेरी बात सुनो, अगर वो लोग तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ भी मारेंगे ना तो भी इस पुलिस स्टेशन से कोई नहीं आने वाला। तुम्हारी लाश वहां सड़ जाएगी, चील कौवे भी नहीं खाएंगे। जाओ यहां से। समझ में आया तेरे लंगड़ा घोड़ा कहीं का? रुक,
पुलिस क्या कर सकती है तुम्हें पता नहीं है। ये खाकी वर्दी देख रहे हो ना, जब इसे पहनते हैं तो कोई हद नहीं रहती हमारी, याद रखना। बेशक आपकी कोई हद नहीं होगी, लेकिन मेरे सब्र की हद है सर। ड्राइवर बैनी ने सबके सामने हमला किया। आप केस दर्ज करेंगे या शिकायत करेंगे? केस नहीं करना, उसे समझा दो। आपने इस बारे में सर से बात की? अंकल आपने कंप्लेंट फाइल की? उससे कोई फायदा नहीं होगा फादर। फादर बेनी तकलीफ देने वाला इंसान नहीं है। उसकी तरफदारी मत कीजिए, वो बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है, अहंकारी है। फादर इन्हें उसे मारने के लिए मत बोलिएगा, सिर्फ समझा दें। अंदर जो कोई भी बैठा उन्हें सिर्फ किसी को मारने का बहाना चाहिए। चर्च के कामों के लिए किसी और को रख लूंगा, आप जाइए। क्या हुआ पापा? हमें और रास्ता निकालना होगा। एक काम करो, तुम परसों सुबह घर आ जाना। हाँ। एलेक्स को यहां से कहीं दूर जाना है। ठीक है, मुझे कहां हाँ। जाना है पापा? अब है कोई जगह? अब तुम बस तैयार हो जाओ। मेरे ख्याल से यही रहते हैं, एक बार पूछ लीजिए। पूछ लूंगा। बोलो क्या हुआ चाचा? यहाँ पर हाँ, क्या थॉमस जी यहीं पर रहते हैं? हाँ। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे उनसे मिलना है, एंथोनी का बेटा हूँ। आओ आ जाओ। Thank you.
भाई आपसे कोई लड़का मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ, अपने एंथोनी का बेटा है वो। एलेक्स जाओ। एंथनी नहीं आया तेरे साथ? रेचल कहाँ है? क्या बात है, क्या हुआ एलेक्स, बोलो। मुझे चाय चाहिए। बिल्कुल नहीं, खुद बना लो और मुझे भी देना। हे, लगता है डैडी आ गए। जुदा तुम हो गए हो,
आंखें हैं ये भरी, कैसा ये गम मिला। हम तुम्हें भी कभी ना पाएंगे भुला, तड़पे तुम कॉलेज नहीं गए? पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं ना, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। भूलो मत, ये तुम्हारा फाइनल ईयर है, मैं सही कह रहा हूं ना? अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या कहना चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं क्या चाहता हूं। भाई हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं इससे बात कर रहा हूं ना, वक्त चाहिए। मैंने दे दिया तो अपने बाप का कर्ज चुका देगी? खैर छोड़ो, मेरे पास इस मसले का एक हल है। मेरे साथ चलो, शादी करेंगे। नहीं तो पैसा कमाने के लिए इसे तेरी दलाली करनी होगी। छोड़ दो,
दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। सुन ले, मैं हूं जॉर्ज रंगीला और वो सिर्फ जॉर्ज की है। चलाट दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, 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 दीदी दरवाजा खोलिए, दीदी, 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 दीदी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के जाने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग जिएंगे कैसे? सुनिए, पद्मनी की बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है। ये देखिए, उसने फोटो भेजी। उसकी क्लास अगले महीने शुरू होगी। फोन करके फीस के बारे में पता करो और उसे जितने भी पैसों की जरूरत हो उसे तुरंत ट्रांसफर करवा देना। जाओ जल्दी। ठीक है। कुछ और चाहिए? चटनी लो ना। अब मैं कभी भी उस जगह वापस नहीं जा सकता। तुमने काफी बातें सुनी होंगी। मैं पहले जैसा नहीं रहा और ना ही मैं कुछ याद करना चाहता हूं। एक बात कहूं, तुम दोनों यही मेरे पास आकर रह जाओ। वैसे भी मेरा यहां है ही कौन। तुम्हें वो जगह छोड़नी चाहिए। दीदी वो जगह कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे जाना होगा, वहां वो अकेली है। हम वहां अकेले हैं। करो सुधा, मुझे लेट हो रहा है। हाँ कर रही हूँ। हाँ रोज ऑफिस लेट पहुँचता हूँ। मेरी वजह से नहीं, तुम अपनी वजह से लेट होते हो। हाँ।
अभी से गेहूं चावल तेल घर में जो कुछ भी हो इसमें भरने को बोल, जल्दी कर। देखिए हम लोग पहले से ही मजबूर हैं और जुल्म मत कीजिए साहब, हम लोग मजदूर आदमी हैं, ये सामान बहुत दूर से लेकर के आते हैं साहब, सब छीन लोगे तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे साहब। अंदर मत जा साहब। हम अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद कर रहे हैं, तुम लोग जाओ। जब तुम बंदूक लेकर दुनिया को लूटने निकलते हो तो ध्यान रखो कि तुम्हारा शिकार या गरीब ना हो। इस बात की समझ होनी चाहिए कि तुम किस पर निशाना साध रहे हो, तभी तुम इन लोगों के दिलों में जगह बनाओगे। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, अगर दोबारा तुम लोगों ने यहाँ कुछ लूटपाट की और इन गरीबों को सताने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारी ही बंदूक की गोलियों से तुम्हारा ही पेट भर दूंगा, याद रखना। वर्गी सर। सर आपको बुला रहे हैं। हाँ, ये लोग कौन है वर्गीस? एक थॉमस है, दूसरा एंथोनी। गुंडे हैं क्या? सर आपकी भाषा में उग्रवादी हैं। अच्छा अरविंद। सर तुमने तो कहा था कि वो दोनों समाज सेवक हैं। वो लोग किराए पर लकड़े का कारोबार चलाते हैं, चोरी छिपे, लेकिन लोगों को मारना, धमकाना, सेटलमेंट करना इनका असली धंधा है। एंथोनी इसी गांव का है और दूसरा कोई कहीं बाहर से आया है, शायद जवानी में आया था। इन्हीं लोगों ने कितने सेटलमेंट करवाए हैं जो यहां दर्ज होने चाहिए थे
पिछले एसआई ने कभी उन पर हाथ नहीं डाला, फिर भी फाइल में 2-3 केस दर्ज हैं। हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे कुछ लोग उनके वफादार निकले। लेकिन मैं आपके साथ हूं, हम उन्हें पकड़ेंगे। आपकी तरक्की के लिए वो लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं। पकड़ेंगे हम। हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पुलिस स्टेशन का चार्ज ले रहे हैं, समझ रहे हो ना? हमारा काम है कि सबसे पहले उस एरिया के गुंडे बदमाशों की अच्छे से खबर लेना, फिर इसके बाद वो खुद हमारी मांगे पूरी करेंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो। तुम्हें कागजात नहीं मिले? नहीं, कह रहा था असल तो दूर सूत भी नहीं चुकाया, और पैसे नहीं दिए तो घर ले लेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो हमें 10-20 हजार और दे देगा, वो हमें घर खाली करने के लिए कह रहा है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए घर के कागजात 1.5 लाख रुपए में गिरवी रखे थे। अब घर और इनकी जमीन वो बदमाश लोग कर्ज के नाम पर निगल जाएंगे, फिर इनका क्या होगा? मेरी और 2 बेटियां शादी लायक हो गई हैं। ऐसे में हम सब कहां जाएंगे? इससे तो अच्छा है हम जहर खा के मर जाए। गुजिल फाइनेंस, कैंडी कमीने हैं। एक बार प्यार से बात करके देखें। ठीक है। चिंता मत करो, हम देख लेंगे। मेरे ख्याल से आपको अपनी छोटी बेटी को तो कम से कम पढ़ाना चाहिए, फिर वो खुद परिवार और भविष्य का ख्याल कर लेगी। जाइए। देखो देखो मम्मी क्या बना रही है, देखो क्या है। रेशियल वही रखो। मेरे लिए नहीं माँ, मोती के लिए है। भूख लगते ही भौंकने लगता है। ठीक है। थेवर ने हमारा पिछले 8 महीने से रुका हुआ बोनस दे दिया। उसने सभी को कल से एस्टेट पे काम करने के लिए बुलाया है। और ये सब आप लोगों के डर की वजह से हुआ है। ये आपके लिए हमारी तरफ से। पैसा इसमें उठा लो। सुना नहीं, उठा लो इसे। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। देखो तुम लोग ऐसा करते होगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता है। ये ट्रेड यूनियन ऑफिस नहीं है जहाँ सेटलमेंट हो। और जहाँ तक मुझे पता है, क्या थेवर के गुंडों ने तुम में से कुछ लोगों को मारकर हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया? ये पैसा उन लोगों को दे देना। जाओ। जी जी ठीक है भाई। नमस्ते। मुरली, मुरलीधर, गांधीपुर का रहने वाला हूं। यहां आके पता चला कि तुम बहुत फेमस हो, अब नहीं हो पाओगे। ओह, जानते हो पुलिस असल में सरकारी बंदूक होती है। बेहतर होगा उसकी नली में अपनी गोली मत घुसेड़ना। गूंगे को जबान मिल गई। सुना नहीं तुमने? साहब क्या बोल रहे हैं, उन्हें जवाब दो। अपनी होशियारी और अपनी गुंडागर्दी अपने पास ही रखो, वरना तुम्हारी ये 3 टप्पड़ सब उखाड़ दूंगा और तुम्हारी खाल भी उधेड़ दूंगा। सुना तुमने? अरे बेटा यहां ना। ये कुत्ते के लिए है क्या? ज्यादा मत भौंक। तेरी तो आपने क्या बताया था, आप कहां से आए हो? गांधीपुर। हाँ, गांधीपुर।
गांधीपुर पुलिस स्टेशन से चौथी बिल्डिंग, वहां एक मेडिकल है, आपको वहां प्रीमियम कॉटन मिलेगा। वो छोड़ दो, रुई के पेड़ यहाँ पहाड़ों में भी हैं, इसे वहां भेजकर थोड़ा सा मंगवा ही लो, फिर उसकी बत्ती बनाकर अपने दोनों कानों में अच्छे से ठूस लो, उसके बाद फिर आपको ना तो हमारे नाम सुनाई देंगे और ना ही कुछ और। रुई तुम्हारे नाक में घुस सकती है। हमें कुछ करने पर मजबूर मत करो। वर्गीस, चलो। सुनो, बच्चे सो गए? मैरी, तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊं? अरे क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? रास्ता छोड़ो। मैरी, तुम्हें डर है या कोई और बात है? हाँ डर है। जब तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर घर छोड़ा था तब तुम नहीं डरी थी, अब क्या हुआ? तब सिर्फ हम दो ही लोग थे, और अब? आज वो दो बेवकूफ पुलिस वाले हमारे घर आए तो तुम घबरा गई, ये पहली बार तो नहीं हुआ। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो हम इन चक्रों में पड़ते क्या? आप गारंटी दे सकते हैं कि आज जो हमारे कंपाउंड में आगे कल घर में नहीं आएंगे? कोई हमारा साथ नहीं देगा। जब भी मैं काम से बाहर जाती हूँ, चर्च जाती हूँ, तो मुझे हमेशा डर लगता है। देखो, हम ये जगह छोड़ देते हैं। मैरी, छोड़ना है। आइए, हम यही ठीक हैं। चलो बेटी। थॉमस और एंथनी अंदर आ सकते हैं। रुको, कुछ मिला? तुम्हें मिला क्या? आज हम सिर्फ तुम्हें समझाने आए हैं। माजरा क्या है? ओ, तो वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, सही कहा ना? एक काम करो, हॉस्पिटल ले जाकर सफाई करवा दो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, ऊपर से कुछ पैसे भी दूंगा। अगर वो इतना भी नहीं कर सकती तो यहाँ से कहीं दूर किसी घाटी पर ले जाकर उसे धक्का दे दो। तुम तो जानते हो, नाजायज संबंध रखने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बेवकूफ कहीं की। ले जाओ अपने साथ। तुम जानते हो, पहले मैंने सोचा था कि इसे छोड़ दूंगा, कहो तो इस बच्चे का बाप ढूंढूं। अच्छा, तू बनेगा क्या? राजन, तुम? नहीं तो ये बनने को तैयार है, विदेशी है, हम तो बस इतना ही बोलेंगे कि कुत्ते को ये ज्यादा ही पसंद आ गई। जो लड़की चाय के बाग में मेहनत से काम करने आती है वो अपने मालिक को उकसाती नहीं है। तुमने अपने इन कुत्तों के साथ मिलकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की,
और जब उसने कहा कि मैं शिकायत करूंगी तो तुमने क्या कहा? वो पुलिस स्टेशन मेरी ही जमीन पर बनाया गया है और पुलिस डिपार्टमेंट के सारे लोग मेरी ही जेब में है। तेरी जेब में है क्या? तू उसके बच्चे को गिराएगा? गिरा के दिखा। उसका मन इतना बड़ा पाप करने की इजाजत ही नहीं देगा, इसलिए अब से उसकी और उसके होने वाले बच्चे की सारी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब तेरी है और वो तू करेगा, वरना अपने साथ अगली बार हम चार लोगों को लेकर आएंगे तेरी अर्थी उठाने। चलो यहां से। सबको बाहर लेकर आओ। जी साहब। क्या हुआ? उस तरफ देखो। जी। मम्मा। तुम अंदर भाई के पास जाओ, चलो जाओ। क्या हुआ? असल में हमें थॉमस और एंथोनी के खिलाफ शिकायत मिली है, कुंदन कंपनी की तरफ से आई है। वो लोग घर पे नहीं है, किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। ठीक है, चले सर। छी, क्या था ये? हाँ, क्या हुआ? वो लोग यहां नहीं है सर। ओ, लगता है इसको दो आदमी कम पड़ रहे हैं, वो और इंतजाम करने गए। अगर तुम मुझसे उलझेगी तो मार दूंगा, तेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा। वर्गे सर, चलो। सुनो, तुम एक काम करो, ऑटो रिक्शा पकड़कर यहां आ जाओ। शो 6 बजे का है। हाँ, यहीं से चलते हैं। मैं बाद में बात करता हूं। जॉनी, Yeah.
हो गई तेरी पुलिस की नौटंकी। तुम्हें यह वर्दी गरीब लोगों पर जुल्म और बेसहारा औरतों की इज्जत के साथ खेलने के लिए दी जाती है क्या? तू वर्दी के नाम पर एक काला धब्बा है, कहीं डूब मर। अब ये लोग तुझसे डरने वाले नहीं है। अब तेरा यह खेल खत्म हो चुका है वर्गीस, यही तेरा फुल स्टॉप है। नहीं तो मैं जैसी करनी वैसी भरनी। सही कहा। अब क्या होगा पता नहीं। उन लोगों ने तो इनकी बीच चौराहे पर इज्जत उतार दी। सही कह रहा है। वर्गी सर, हम लोग मजबूर थे, आप जानते हैं। चलिए गाड़ी में बैठिए, ऐसा ही साहब सुबह आएंगे, उन्हें पता चल चुका है। तुम्हारे पास सिगरेट है? तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। या आत्महत्या कर लेंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ता। उन्हें अरेस्ट करना चाहिए सर। अरेस्ट ही नहीं, दफनाना पड़ेगा उनको। क्या कहते हो? इसके लिए क्या करना होगा? हमें कुछ लोगों को बस सपोर्ट करना होगा, समझे तुम?
किक मुझे वाकई बहुत पसंद आई, लेकिन तुझे अब इसे भूलना होगा। तेरे दोस्त के लिए भी एक गुलदस्ता भिजवा दिया है। सिस्टर, थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले जाएंगी? जी बिल्कुल, आओ आओ बेटा। चलो बाहर घूमने जाना है। हाँ उनका पैर कभी ठीक नहीं होगा। रुक जाओ, उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। अगर उनसे रिश्ता रखेंगे ना तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। चले जाइए हमेशा के लिए।
ए, जॉनी, क्या हुआ सर? पानी खत्म हो गया है। अच्छा, जग दीजिए, लाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, लॉक मत खोलो। डरिए मत सर, आप यहाँ पर सेफ हैं। मुरली कब आ रहा है? वो आते ही होंगे। कुछ लोगों ने थॉमस को हॉस्पिटल में देखा। सर लकड़े के कारखाने गए हैं, वहां खबर मिली है कि किसी ने लाइट जलती हुई देखी। वो उसे यहां लेकर आएंगे, आया तो मैं उसे मार दूंगा। लगता सर आ गए हैं। अरविंद सर, जल्दी आइए। क्या हुआ सर? क्या हुआ आपको? क्या हुआ सर? क्या हुआ आपको सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? कहा सब लोग? जल्दी करो, जल्दी जाओ, जॉनी। उसके बच्चे का अब एक ही रखवाला है और वो है थॉमस। एंथनी का तुमने जो एक पैर छीना है, उसके बदले में तुझे मौत देता हूं। अरे कश मारता हूं। ए, किधर भाग रहा है? मुझे मिल गया है। क्या है, क्या है? हाँ बोला, क्या है? तू छोड़ उसे, छोड़ उसे। बहुत चढ़ी चढ़ी है तुझे भाई। हाँ,
इसे उसके पास ले चले क्या? हाँ, गाड़ी में बैठा। जी भाई। जाते जाते इसे भी ले जाओ। चलाऊं क्या? चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल 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 जल्दी कर। बैठ जल्दी। इसके बाद यहां आने की हिम्मत भी मत करना। इनकी रक्षा के लिए मैं हूं। मुझे जल्लाद मत बनाओ। कल जो हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। मैं यहां ये सब करने नहीं आया। तुम लोग जो कुछ भी समेट सकते हो वो समेट कर मेरे साथ चलो। यहां रहना ठीक नहीं है। हम यहां से नहीं जाएंगे। ये पापा की आखिरी निशानी है। इस घर से उनकी यादें जुड़ी हैं। जीते जी नहीं जाएंगे। ऐसी बात है तो फिर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? बताओ मुझे। क्योंकि हमें यही मरना है। अच्छा तो तुमने मुझे यहां क्यों बुला लिया? तुम दोनों को दफनाने? ना समझ। केले की कलियों को फैला दो। जी फादर। सुनो एलेक्स, कैसे हो? कैंडल जलाने आए थे? ये थॉमस अंकल है, पापा के दोस्त हैं। तुम्हारे घर के मामले का क्या हुआ? वो जॉर्ज फिर से आया? नहीं फादर, उसके बाद वो नहीं आया। ठीक है। और तुम्हें और रेशियल को सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। चर्च में रोज आया करो। ठीक है फादर। गॉड ब्लेस यू। फादर उसी कंपनी के बारे में बोल रहे थे जहां हमारा घर गिरवी है। कौन सी कंपनी? कुंदन फाइनेंस।
कुंदन फाइनेंस। ये ले। थैंक यू। तेरे पास इसकी कोई दूसरी कॉपी तो नहीं है ना? नहीं भाई। ठीक है, तो ये सौदा तेरे मेरे बीच यहीं खत्म। अगर तुम पुलिस केस में पकड़े जाते हो तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो जेल से निकल जाऊंगा लेकिन तुम नहीं निकल पाओगे। जॉर्ज कहाँ है? वो अंदर है, आप जाइए। तो अब से उन दोनों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। सुन, तुझे जिसने मारा वो कौन था? ये वही है भाई। अच्छा तू बता, पैसों का इंतजाम हुआ? इसे थोड़ा और वक्त चाहिए। ये कौन है? पापा के दोस्त हैं। ओह, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूद मिलाकर ये लोग मेरे 18 लाख के कर्जदार हैं। तो या तो पैसा लौटा दो या फिर घर खाली कर दो। इसके अलावा भी एक आखिरी ऑप्शन है, ये और इसकी बहन दोनों जानते हैं। 18 लाख। एंथनी पहले ही काफी पैसा दे चुका है और उस प्लॉट का सारा प्रॉफिट तो तुम ही लेते रहे हो कई सालों तक। एलेक्स, ये कर्ज मेरे पिताजी के जमाने से चला आ रहा है, अब मैं समय नहीं दूंगा, इनको ले जाए यहां से। अगर आप बीच में हैं तो टाइम मिलते ही आपको कॉल करूंगा, ठीक है? चल बेटा। एलेक्स, एक मिनट रुक। अपनी बहन के नहाने का वीडियो देखेगा? मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई और उसे देखे, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। उससे कहना मेरे बारे में और सोच ले, वीडियो वायरल होने में देर नहीं लगती। क्या कहा? तुझे भी धूल चाट कर अपने बाप के साथ दफन होना है क्या? कागजात कहाँ है? चल निकाल। ये ले। अगर ये हाथ किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका कलेजा ना धड़ से बाहर आ जाता है। आइंदा इसकी तरफ मत देखना जानवर। वो फोन ले ले। मुझे हल्के में मत लेना, नहीं तो कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। और मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो तेरा वंश ही मिटा दूंगा। क्या ये? हाँ वही है। पर कैसे? थॉमस अंकल,
कहाँ जा रही हो? मुझे बाहर से कुछ चीजें लानी थी। एलेक्स को आज घर आने में देरी होगी। यह एलेक्स कभी बाइक धोता नहीं है? जब पापा थे तो हम दोनों मिलकर कभी कभी बाइक धो लिया करते थे। पापा इसे बेचना नहीं चाहते थे। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम आगे चलो। रुको, तुम तो पहले ही यहाँ बहुत कुछ कर चुके हो, अब क्या करने आए हो? क्या तुम यहाँ पर श्राद्ध का खाना खिलाने आए हो? तूने यहां कदम रखते ही फिर से समाज सेवा शुरू कर दी। उठाओ इसे, डालो इसे गाड़ी के अंदर। लेके आओ इसे, उतरो। कुछ दिन पहले पुराने पुलिस स्टेशन को तूने ही जलाया था, अब तू यहां से घुटनों के बल जाएगा। देख, मेरी बीवी का चेकअप है तो पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और बाद में पार्टी में। इसे लॉकअप में डाल दो और जब तक मैं ना आऊं छोड़ना मत। थॉमस, अरविंद सर कहाँ है? अंदर है। ऐसा क्या हुआ है सर, उन्हें क्यों अरेस्ट किया है? फिकर मत करो, तुम्हें तो पता ही कि एसआई कैसा है, वो उनके बारे में सब जानता है, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। दोनों लोगों की आपस की दोस्ती जॉर्ज कॉलेज से ही चली आ रही है। उन पे कोई केस नहीं होगा, वो जल्दी घर आ जाएंगे। तुम लोग अब जाओ। क्या हम उनसे मिल सकते हैं?
कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग घर जाओ, यहां मत रुको। मैं आ जाऊंगा। अरविंद। चलो घर जाओ। नहीं, मुझे आने में देर होगी। अगले हफ्ते तक रुक जाती तो हम साथ में चलते। हाँ सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जॉर्ज ने कुछ भेजा क्या? सर टेबल पर रखा हुआ है। हाँ तुम उसे बाहर लेकर आओ। संभाल के। अब तुम जा सकते हो और सर झुका कर ही चलना, नहीं तो खड़े होने लायक नहीं रहोगे। समझ गया? अब पुरानी आग नहीं रही, राख हो गई। चल अब निकल। सर उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बाहर बारिश भी हो रही है, कहें तो जीप से छोड़ा। क्या, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो कमिश्नर नहीं है कि उसे जीप से छोड़ा जाएगा। पुरानी फाइलें पढ़ लेना काफी नहीं होता, उसे समझो, राख समझ कर इसे खरोंचने की कोशिश मत कर। अगर उसमें चिंगारी भी हुई ना, जला देगी, जला देगी। नहीं सर, हम बस निकल रहे हैं। ठीक है। अरे एलेक्स जल्दी करो, वकील सर पहुंचने वाले हैं। अरे तुम चलो, मैं आ रहा हूं। जल्दी आना। अरे ओह गॉड, खून। एलेक्स, Thank you.
मैंने अपने डैड से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो ड्राइवर थे, पैट्रिक। वो ड्राइवर की नौकरी एक मील में किया करते थे। अब पैट्रिक कहाँ है? अब डैड घर पर ही रहते हैं, चल नहीं सकते। उस दिन एंथनी जी मेरे साथ ही आए थे। उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद एंथनी अंकल आपसे ही मिलने गए होंगे। रास्ते में एसआई से बहस हुई और वो जॉनसन की गाड़ी में बैठकर चले गए। वो पियक्कड़ था, हाँ, कोई नहीं जानता उनके साथ वहां क्या हुआ। आपको आज भी दवा लेनी है, मैं आपको दे दूं? नहीं, तुम जाकर सो जाओ। हमारा एक ही बेटा है, हम इतने मजबूत नहीं कि हम कुछ कर सकें। और तो और, एंथनी की भी अचानक मौत हो गई थी। चाय पियो बेटा। लो, वहां रख दो। ये लीजिए। आज भी जेम्स के दिमाग में रेशियल ही बसी है, लेकिन उस दिन की तरह अगर दोबारा कोई अनहोनी हुई तो नहीं होगी। जेम्स बाहर कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, वो सैटरडे को आता है। हम तो बस शादी करना चाहते हैं, अब इन रस्मों को निभाने का कोई भी मतलब नहीं है। हमें आपके अंदर उनके डैडी नजर आते हैं, यही हमारी हिम्मत है। भाई साहब, 3 से ज्यादा स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, गाड़ी 2 हफ्ते में मिलेगी। इतने काफी हैं? हाँ, ठीक है। अंकल? अरे, कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। मेरे पति की गाड़ी भी यहाँ लाई गई है, वो भी पुलिस स्टेशन से। कब तक दोगे भैया? आपको अगले हफ्ते तक दे दूंगा, अभी उसमें काम बाकी है। हाँ। जॉनसन कैसा था? क्या वो शराब पीने के बाद जीप चलाता था? क्या उस रोज जॉनसन ने तुम्हें फोन किया था एंथनी को पिकअप करने से पहले? ये तुम अपनी माँ को दो। ठीक है। ये लो। टाटा पापा। टाटा। अब तुम ठीक हो? हाँ, ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, उस रोज थॉमस ने तुम्हें फोन किया था एंथनी को पिक करने से पहले? हाँ, किया था। हुँ। हुँ।
बोलिए अरविंद सर। सर इस वक्त मैं कैसे आ सकता हूँ? लेकिन सर ठीक है सर, आता हूँ। किसका था? अरविंद सर का, मुझे जाना होगा। रख लो। तुम अपनी माँ को दे दोगी? क्या बात है ब्रदर? कुछ नहीं फादर। पढ़ाई अच्छे से तो कर रही है ना छुटकी? जी फादर। दवाइयां खत्म हो गई सिस्टर? इसी हफ्ते की बची है फादर। ठीक है, खत्म हो जाए बता देना। आप घर जा रहे हैं तो मेरे साथ ही चलो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये बच्ची एंजल की 2 साल पहले सर्जरी हुई थी ना, इसका हार्ट बहुत कमजोर था, मौत से लड़कर जीती है वो, बहुत मुश्किल से बची है। ओह। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, बाहर था, मैंने वहीं के चर्च से फंड इकट्ठा किया, तब जाकर उसकी सर्जरी हो पाई। उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, उसके बाद मैं जब यहाँ आया उन्हें अपने साथ ले आया। जॉनसन की पत्नी को नौकरी नहीं मिल सकती कहीं? मैंने यहीं के एक रिजॉर्ट में बात तो की हुई है, पर जॉनसन के ऊपर 1-2 पुलिस केस दर्ज थे, इसलिए नौकरी देने से लोग कतराते हैं, लेकिन ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट के दिन जॉनसन चर्च की नौकरी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अचानक उसे एंथनी को लेने जाना पड़ा, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। खैर आपने रेशल की शादी तो तय कर दी होगी? उन्होंने कहा है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से घर आएंगे। ओ ठीक है। रुको रुको, साइड में लगाओ ये लो। जी सर। कागज दिखाओ। सुनो सर, उस ड्राइवर को बुलाओ। सुनो साहब, बुला रहे हैं तुम्हें। अंकल मैं उनसे मिलकर आता हूं। कहाँ जा रहा है? एंथनी अंकल को लेकर पास वाले गांव में। पादरी के केस को यहीं सेटल करते हैं। जी पुलिस स्टेशन लेकर चल। सर परसों ही तो मैं पूरे दिन आपके पुलिस स्टेशन में था। चल जीप में बैठ। नीचे उतरो। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? जरा जल्दी करो। सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे उन्हें क्यों उतार रहे हैं सर? चलो बैठो।
आप कहीं जाना चाह रहे थे क्या? इस वक्त तो मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं टैक्सी मंगवा देता हूँ। जॉनसन, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, तुम गाड़ी लेकर के आ जाओ, किसी को पिकअप करना है। सर, मुझे कहीं और जाना है। अरे थोड़ा अर्जेंट है। नहीं आ सकता सर। ठीक है, मत आओ। एसआई सर ने बोला था इसलिए बोल रहा था। तुम्हें तो पता ही कि ना करोगे तो क्या करेंगे वो? सर, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। सीधा यहीं आ रहा है, छोड़ देगा। एंथोनी, गाड़ी आ गई। क्या बात है सर? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये जहां जाना चाहते हैं छोड़ दो, बाकी काम बाद में करना। उन्होंने एंथोनी का पोस्टमार्टम नहीं किया? नहीं, उस सीआई ने उन्हें जबरदस्ती घसीटा, बहुत बुरी तरह मारा था उसे। चर्च के फादर की वजह से बच्चों को बॉडी मिल पाई थी। मैंने जो कहा उसे भूलना मत। थॉमस, अब चीजें पहली जैसी नहीं रही, फिर भी देखता हूं। लेकिन क्यों? जरूरी है। उस रोज एंथनी मुझसे मिलने के इरादे से निकला हुआ था, लेकिन वो इस माहौल के बाहर नहीं निकल पाया। इसका मतलब वो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के दायरे से बाहर नहीं निकला। जनवरी में एंथोनी को गुजरे पूरा एक साल हो जाएगा, तो फिर हम शादी को फरवरी में रखते हैं। हमारे पास 6 महीने हैं, ठीक है? ठीक है, फिर बात पक्की करते हैं। तैयारी शुरू करें। ठीक है मम्मी। अच्छा, हम चलते हैं। चलिए बाय। यही तो है जिंदगी, कभी गम कभी खुशी, इसी का तो नाम है संसार। यही तो है जिंदगी, कभी गम कभी खुशी, इसी का तो नाम है संसार। किस्मत में लिखा था जो वही तो है मिला, शिकवा ना किसी से ना किसी से है गिला। यही तो है जिंदगी, कभी गम कभी खुशी, इसी का तो नाम है संसार। ये लीजिए। ओह, पैसा। आ,
आप तो कहते थे कि आपको शादी नहीं करनी, परिवार नहीं बनाना, पर अब अचानक से ये सब क्यों? सुबह जब मेरी हो रहो तुम सामने, मेरी ये जीने की वजह सिर्फ हो तुम, हो दुनिया तुम मेरी, हर खुशी तुमसे ही, एक पल ना रह सकूंगा मैं तुम्हारे बिना, हो तुम ही सहारा मेरा, तुमसे सब मेरा, मेरे दिल की दुआ है ये ही, खुश रहो तुम सदा, सुख में दुख में हम हैं साथ में, यही तो है जिंदगी, कभी गम कभी खुशी, इसी का तो नाम है संसार, यही तो है जिंदगी, कभी गम कभी खुशी, इसी का तो नाम है संसार, किस्मत में लिखा था जो वही तो है मिला, शिकवा ना किसी से ना किसी से है गिला, पापा बोलो बेटा। कहाँ हैं आप? मैं अभी घर आता हूँ। तुम कहाँ हो? मैं पहले चर्च गई थी, फिर मार्केट गई, बहुत शॉपिंग की और अब घर जा रही हूँ। एलेक्स कहाँ है? मुझे नहीं पता, कॉल करती हूँ। वैसे मैं फिश लेकर आई हूँ, रात को फिश करी बनाऊंगी, ठीक है पापा? एलेक्स घर कब आ रहे हो? हाँ ठीक है, खैर तुम्हारे लिए लर्निंग गाइड लेकर आ रही हूँ, वो बहुत ही महंगी थी, मन लगा के पढ़ना। हाँ लेकिन क्यों? जल्दी इसे उठाओ। आ रहे, आ रहे, आ रहे।
बेबी को कुछ होगा तो नहीं? हाँ लड़का हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई। ठीक है मौसी, बाद में करता हूँ। हाँ अब कैसी है वो? सर अभी हालत नाजुक है सर। ये उनका ही काम है, कुछ लोगों ने जीप देखी थी। सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ऐसी जीप है? और कुछ दिनों से तो कोई हरकत ही नहीं की उन्होंने। ये सब छोड़ो, लड़की मर जाए उससे पहले इसका बयान लेते हैं। आओ तुम लोग यहीं रुको। सर आप में से रेशल के साथ कौन है? आप उनके फादर हैं क्या? हाँ। ऐसा लगता है वो आपको बुला रही है, थोड़ी होश में है, अंदर आइए। सिस्टर पहले पेशेंट का बयान लेना है। सर पेशेंट बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, और आपको डॉक्टर की परमिशन भी लेनी होगी। आप अंदर जाइए। उसे कुछ नहीं होगा, वो जल्दी घर आएगी। वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है। मुझे बाइक की चाबी देना जरा। कोई गलत कदम मत उठाना, नहीं तो फंसोगे। रुको। अपना हाथ हटाओ। नहीं हटाया तो? अगर मैं अपना घुटना और नीचे ले आया तो भूल गए तुम्हारे डिपार्टमेंट से क्या भूल हुई है? गोली, उसकी गिनती और कम हो जाएगी। क्या? अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ बचेगा, ताकि तुम अपने पहले बच्चे को खिला सको, समझे? हाँ बोलना यार। भाई अभी मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम फौरन पुराने बंगले पे पहुंचो। ये क्या बोल रहे हो, नशे में हो क्या? अरे थॉमस ने मुझे निचोड़ डाला, मुझे बोलना पड़ा कि वो लोग कहाँ हैं। और ऊपर से उन लोगों का फोन भी नहीं लग रहा है। तुझसे पूछ रहा हूं, कहां गए वो? चले अंदर चल। खोलो। आप अचानक यहां कैसे आए? आप सो रहे थे क्या फादर? हाँ, क्या हुआ? हाँ, वो हमें किसी की तलाश है, हमें लगा यहीं कहीं छुपा होगा। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। हो सकता है आपको पता ना चला हो, आप तो सो रहे थे ना। अंदर जाकर तलाशी लो। यहाँ की तलाशी लेने से पहले आप लोगों को वारंट लाना होगा। तुम अंदर जाकर देखो। तुम लोगों में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ए,
देखो तुम एक हिंदू हो और ये एक चर्च है, मैं यहां का पादरी, यहां फसाद हो सकता है। मैं वारंट के साथ वापस आऊंगा और एक पादरी के लिए अच्छी बात साबित नहीं होगी। मैं देख लूंगा, चलो। रुक 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 रुक, जोसेफ तुम यहीं उतरो। ओके सर। मुझे फादर पे शक हो रहा है, तुम उस पर नजर रखो। ठीक है सर। और शक हो तो मुझे कॉल करना। ओके सर। मैं यहाँ राउंड अप पर हूँ। ठीक है सर। वो यहीं कहीं छुपा होगा, जाओ। चलो। वो लोग चले गए। उस रोज एंथनी यहां आया था, है ना? एक्सीडेंट के दिन जॉनसन चर्च की नौकरी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अचानक उसे एंथनी को लेने जाना पड़ा, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। वो जीप खाली थी या कोई था उसमें? नहीं, वो तो वहां पर खाली मिली थी। एंथनी के बाद कोई और जीप में बैठा था? क्या बात है सर? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये जहाँ जाना चाहते हैं छोड़ दो, बाकी काम बाद में करना। जीप में क्या रखा है? केले की जड़ें हैं। हाँ, केले की जड़ें। तो तुम यहां पुलिस से बचने के लिए नहीं आए हो, पर यहां कुछ और ही जानने के लिए आए हो, सही कहा? हकीकत सुनोगे? सुनाता हूं। मुझे यहां केले की जड़ें उतारनी है। अरे जॉनसन, यहाँ आने में देर क्यों हुई, क्या हुआ? अब क्या बताऊं मैं फादर, ऐसा ही साहब ने मुझे इनके लिए बुला लिया था, वो देखिए। अरे आप यहाँ पर ठीक तो हैं? वो मुझे कहीं छोड़ने के लिए आया है। अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। जॉनसन ये सब ले जाकर चर्च के पीछे रख देना। ओके। पादरी आज छुट्टी पर है। ठीक है। और बताइए ब्रदर, सब ठीक तो है ना? बच्चे कैसे हैं? फादर मैंने जो भी कुकर्म किए थे उसकी सजा आज भुगत रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं मेरे बच्चे अकेले ना पड़ जाएं। ब्रदर आपने बताया नहीं आप कहां जा रहे हो। फादर इस वक्त आप मेरा बुरा वक्त देख रहे हैं, मेरे पास अकेले खड़े रहने के बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं किसी की तलाश में बहुत दूर जा रहा हूं और आखिरी बार उससे मदद मांगूंगा, शायद वो मेरी मदद कर दे। गॉड जानता है कि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा पहले प्रार्थना कर लो। थॉमस कहां है? हाँ?
तेरे बच्चे भी अब मेरी तरह ही अनाथों की तरह जीवन बिताएंगे। हेड कांस्टेबल वर्गीस याद है? मेरे डैड, मेरे हीरो। जो बोगे वही काटोगे। मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन अब से मेरे बच्चों को छूना भी मत। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मौत से लड़ रही है। हमारी वजह से नहीं, फादर डेविड की वजह से। उसी ने हमसे करने को कहा था। तुम्हें और एंथनी को खत्म करने का प्लान मैंने उसी दिन बना लिया था जब तुमने मेरे डैड को मरने पर मजबूर किया था। मैंने अपनी मदर को रात रात भर डैड के लिए तड़पते हुए देखा है। उसी दिन मैंने फैसला किया, जब तक तुम्हें मार ना दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एंथनी को तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तड़पा तड़पा कर मारूंगा, आज तुझे गॉड भी नहीं बचा सकता। खत्म कर दूंगा तुझे। उस दिन गॉड ने मेरे पास एंथनी को भेजा था और आज तुझे जिस पल उन बच्चों का मैं पिता बन गया
उसी दिन अपने दिल से मैंने एंथोनी से वादा किया कि मैं हमेशा उनके लिए जिंदा रहूंगा। हेलो, कैसी आवाज? वो नहीं मिला सर। फिर गया कहां वो? आप किसे ढूंढ रहे हैं सर? थॉमस को? आपने उसे यहां आते देखा? फादर ने क्या कहा था? यहां कोई नहीं आया था, मैं खुद गवाह हूं। याद मत आया सर। कुछ वापसी भाग्य में लिखी होती है और कुछ वापसी वक्त का तकाजा होती है। हर पथरीले रास्ते पर, हर बुरे वक्त में वो चट्टान बनकर तुम्हारे सामने होगा, बुलंद हौसले से आगे बढ़ेगा। वो भले ही तुम्हारे पहुंच से दूर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं होगा। उसके लिए सिर्फ एक आवाज ही काफी है। जिस तरह से प्यार से दर्द कम होता है, उस मरहम की तरह जो जख्म मिटा देती है, उस हौसले की तरह जो दिल को छू जाती है, सर पर छांव की तरह, एक रक्षक की तरह जो आपकी हमेशा रक्षा करेगा, जो आपके साथ हमेशा रहेगा।